नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा स्पर फॉर्मेशन, जो सीडलिंग के ऊपर सिंगल लीडर सिस्टम वाली जो टेक्निक चली हुई है प्रेम चौहान जी वाले। तो इस प्लांट को हमने लगभग 1-2 सालों से उसी तरह से ट्रेन किया हुआ है और इसमें जो स्पर फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी हुई है। हालांकि इसमें कुछ फ्रूटिंग भी हुई थी जिसकी मैंने वीडियो डाली भी थी मेरे यूट्यूब चैनल पर, देख सकते हो आप उसको भी किस तरह की फ्रूटिंग हुई थी हमारे पास। तो ये स्पर फॉर्मेशन देख सकते हो आप, जो हमने यहाँ पर सीधा कट मारा था उसके बाद जो स्पर फॉर्मेशन ये देख सकते हो आप किस तरह से हुई है, और यहाँ पर सीधा कट मारा था उसके बाद जो स्पर फॉर्मेशन ये देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छी हेल्दी स्पर फॉर्मेशन हुई है इसमें। और ये और जहाँ पर रिंग था पिछले साल वहाँ पर जो कट मारा था उसके बाद जो स्पर फॉर्मेशन हुई है देख सकते हो आप, लगभग 3-4 बी में हमारे पास इसमें पीछे फॉर्मेशन हुई है। और यहाँ पर भी सीधा कट मारा था जहाँ से लगभग 1-2-3-4-5 स्पर्स यहाँ से भी फॉर्म हुए हैं इस तरह से, देख सकते हो आप पूरे प्लांट में काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन हुई है। और फ्रूटिंग भी इस बार हमारे पास इसमें थी। और कुछ व्यू में आपको अपना और जो प्लांट है 1 बीघा में लगभग 700-800 प्लांट का हमारा ब्लॉक है, कुछ और प्लांट्स में भी आपको स्पर फॉर्मेशन दिखाता हूँ। और ये उधर हमारा M9 ब्लॉक है यहाँ से नीचे, और कुछ पुराने ट्रेडिशनल प्लांट भी है तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और प्लांट्स में स्पर फॉर्मेशन। ये रहे कुछ प्लांट्स जो जिसमें हम पिछले साल से काम कर रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट पे सिंगल लीडर सिस्टम में, तो जिसमें हमने समर प्रोनिंग में भी कुछ कट मारे हुए हैं देख सकते हो आप, और इसमें भी स्पर फॉर्मेशन हो रहा है काफ़ी, जिस देख सकते हो आप हमने यहाँ पर पिछले साल इसमें सीधा कट मारा था रिंग पे, तो यहाँ से आगे ग्रोथ काफ़ी कम है और पीछे स्पर फॉर्मेशन भी काफ़ी अच्छी हुई है देख सकते हो आप। गाला है ये गाला में, और पीछे एक डिलीशियस स्कारलेट 2 का प्लांट है जिसमें कि और भी अच्छी स्पर फॉर्मेशन हुई है इस बार, देख सकते हो आप कितनी अच्छी स्पर फॉर्मेशन हुई है। तो जब हमने पिछले साल प्लांट किए हुए थे प्लांट जिसमें कि इस बार स्पर फॉर्मेशन भी हुई है देख सकते हो आप, होपफुली इस बार शायद कुछ सैंपल मिले हमें देख सकते हो आप, जो कि सिंगल लीडर सिस्टम पे पूरे ट्रेन हो रहे हैं USDP प्रेम चौहान जी का जो कॉन्सेप्ट है, तो काफ़ी अच्छी बड फॉर्मेशन हो रही है इसमें। हालांकि प्रेफरेंस हमेशा स्पर वैरायटी को दो और ताकि ग्रोथ कंट्रोल करना इजी रहे। अगर आप हेमिस्पर या ट्रेडिशनल जो रॉयल में थोड़ा टफ रहेगा क्योंकि सीडलिंग काफ़ी भागता है, तो बड फॉर्मेशन तो काफ़ी अच्छी है। बाकी देखते हैं आगे जो जब हम इसकी प्रोनिंग करेंगे तो मैं आपके साथ जो रिज़ल्ट रहेंगे हमारे पास वो मैं प्रॉपर शेयर करने की कोशिश करूँगा किस तरह से प्रोनिंग करनी है आपको और कैसी इसमें कुछ मतलब सैंपल आएंगे या नहीं आएंगे। कई बार पत्तों में चला जाता है बीमा, तो कैसे रिज़ल्ट रहेंगे मैं आपके साथ पूरा शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसके तो सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू।